हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी फिलहाल जा रहा हूँ मैं सिलेंडर देने के लिए। यहाँ पे हम नहीं है ना, तो हमारे पास सिलेंडर है नहीं, तो मैंने भैया से लिया था तो वो खत्म हो गया, तो उनको वापस करने जा रहे हैं। फिलहाल हाथ में वैक्सीन लगी और सिलेंडर उठा रहे हैं बाहुबली। मैं काम करता हूँ, गाड़ी वैसे घुमा देता हूँ, फिर पीछे से रख देंगे गाड़ी के अंदर, ठीक है? चलो डिग्गी खोलते हैं, डिग्गी खोल रहे हैं। तो सिलेंडर हमने डाल दिया, देखो जुगाड़ करके, ताकि गाड़ी को भी कुछ ना हो और सिलेंडर को भी कुछ ना हो। अभी हिलेगा भी नहीं। फिलहाल मैं ये डालता हूँ गाड़ी में, ये नई फ्रेग्रेंस लाया था गाड़ी के लिए। कैसी है? मोजा लगा दूँ? मोजा सुनोगे? चले नमस्कार। तो फिलहाल अब चलते हैं यहाँ से। दोबारा लगाऊं मोजा? मोजा लगा लगा के आपको पका दूंगा मैं। तो पहले डलवाते हैं डीजल, उसके बाद कुछ सामान वगैरह लेना है। आप यहीं बैठ रहे हो, मैं लेके आता हूँ, ठीक है? जल्दी से लेके आता हूँ मैं। और जो कि डेंटिस्टिक भी लेनी है, ये एक और चाहिए, ये लास्ट है। चलो ये दे दो, कितने का है? तो फाइनली हमको एक शॉप पता चली है जिसमें हमको खुला पनीर मिल जाता है, हमको पैकिंग वाला पनीर नहीं लेना पड़ता। और ओरियो की डेंटिस्टिक खत्म हो गई थी तो ये ले ली। चलो अब सब्जी लेनी है, उधर भी सब्जियां हैं, यहीं से ले लेते हैं। चलो उतरे। अरे खुला है वो, धक्का दो उसको, धक्का दो। हाँ सब्जियों की शॉपिंग सबसे बढ़िया मम्मी जी ही कर सकते हैं, हमसे तो हो नहीं पाती, हम तो कुछ भी उठा लाते हैं। मम्मी जैसे देखती है चीजों को। यहाँ पे चेक पोस्ट है तो यहाँ पे सारी गाड़ियों को रोकते हैं और डेली हमको भी रोकते हैं, बिकॉज हमारी गाड़ी का नंबर है HR। तो फिर हमको बोलना पड़ता है कि हम लोकल के, हम यहीं के हैं, फिर छोड़ते हैं वो। ये प्रॉब्लम होती है गाड़ी के नंबर से, ये चेंज करवाना है, बस UK हो जाए ना, फिर कोई नहीं रोकेगा। फिलहाल अभी मम्मी वहाँ गए हैं सब्जी लेने के लिए, HR वाले को तो रोकना ही रोकना है। ये प्रॉब्लम होती है हमारे साथ, है, क्या करें। सरदा आ गए हैं वाली, आते इसको मम्मी चाहिए बस। क्या ठहरा गए यार, इसको लगता है कि कहाँ चले गए, चाहे एक घंटे के लिए चले जाओ कहीं। हाँ बोल नहीं सकता ना। तो फिलहाल अभी हम लंच करते हैं, आज लंच में खिचड़ी बनी है फेवरेट। मैंने परसों वैक्सीन लगाई थी बट फील अभी तक हो रहा है, हाथ में तो फुल पेन है और अब तो मेरे को पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, बुखार ना आ जाए इसलिए दवाई खा लेते हैं। तो अभी फिलहाल मैंने थोड़ी देर रेस्ट कर लिया है, अब फिलहाल मैं जा रहा हूँ दोबारा मार्केट, बिकॉज मुझे लेना है एक टेबल। जी ये वाला टेबल है ना, ये काफी छोटा है, तो कम से कम भी इससे डबल साइज का होना चाहिए। बाय द वे इस वाली टेबल से ना काफी ज्यादा जुड़ गई है, स्ट्रगल टाइम का टेबल है। जब मैंने स्टार्टिंग में ड्राइंग वीडियोस बनाई थी तब इस पे बनाई थी। पता है कैसे बनाता था मैं आपको बताता हूँ। ऐसे बैठ के, ऐसे यहाँ पे कैमरा होता था ऊपर ऐसे, और मैं इस तरह से ड्राइंग बनाता था, इस तरह से नीचे बैठ के। बाय बोलू तो गाड़ी भैया चलाएंगे, मेरे तो हाथ में दर्द हो रहे हैं। तो भी गाइस मेरे को तो ये वाला पसंद आया, और डाइनिंग टेबल ये वाला भाई तो प्यारा लग रहा है दिखने इसमें तो, और भी ज़्यादा मुझे तो सबसे बेस्ट यही लग रहा है, बाकी सब तो नॉर्मल ही है, लेकिन इसको देख के अलग ही वाइब्स आ रही है। तो अभी फिलहाल आटा लेने आए, मम्मी ने 10 किलो आटा मंगाया था। बाकी टेबल और डाइनिंग टेबल हमने बुक कर दिया, वो घर पहुंच जाएगा हमारे। तो भी गाइस फिलहाल घर पे पहुंच गया हूं। फिलहाल अभी ये सोच रहा हूं कि डाइनिंग टेबल लगानी कहां पे है, क्योंकि स्पेस तो बहुत ज़्यादा है, कहीं भी लगा सकते हैं, बट ऐसी जगह पे लगाना जहां पे मतलब कोने में पड़ी रहे वो बस, क्योंकि हमने तो यूज़ करने नहीं, हम तो नीचे बैठ के खाते हैं। स्पेशली मैंने गेस्ट के लिए लिया, बिकॉज काफ़ी बड़े बड़े लोग आते हैं मिलने के लिए, बड़े बड़े, तो वो अगर कुछ खाते हैं तो नीचे बैठ के उनको नहीं खिलाएं, हम उनको ऊपर बैठ के खिलाएं डाइनिंग टेबल पे। तो बस वही सोच रहा हूँ कहाँ लगाएं, मैं सोच रहा हूँ इस कोने पे लगा देते हैं, जो ये बीच वाला एरिया इसको नहीं छेड़ेंगे, ये अपना बैठने के लिए नाचने के लिए बढ़िया है, सेलिब्रेशन करने के लिए। बाकी जो दूसरी टेबल है वो तो यहाँ पे आ जाएगी। कुर्सियों की भी कमी है ना अपने पास, 3-4 कुर्सियाँ और होनी चाहिए, और फ्रिज भी, ये फ्रिज भी टूटा हुआ है, 15 साल पुराना, पापा जी के स्ट्रगल टाइम का फ्रिज। फ्रीजर तो इसका बिल्कुल ही खराब है, अभी हम बिना फ्रीजर के जी रहे हैं। हमारा भी मन करता है आइसक्रीम खाने का, बट आइसक्रीम रख ही नहीं पाते हम इसमें, सारी पिघल जाती है। तो बड़ा फ्रिज होगा तो हम आइसक्रीम रख पाएंगे उसमें, आइसक्रीम खा पाएंगे। खाने की पहले होगी तो फ्रिज खाने के लिए होता है भाई, फ्रिज खाने के लिए होता है, फ्रिज खाओगे, अरे मतलब आइसक्रीम आइसक्रीम। बाय द वे कुनाली यहाँ पे है अपना मस्त चश्मा डाल के, क्या कह रहे हो? और भी काफी चीजें होती हैं जो कि हम घर के अंदर रख सकते हैं डेकोरेशन के लिए, या फिर और भी चीजें तो आप सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि हमको आइडिया नहीं है कुछ ज्यादा। बाकी इंडोर प्लांट्स तो मुझे लाने हैं, इंडोर प्लांट्स रख देंगे कोने पे, और क्या कर सकते हैं। तो गाइस अभी ये पता नहीं कुछ बोल रहा था एकदम, दिखाई बोल के दिया ना, यो जोगिंदर दे भाई जोगिंदर जिन्नी टॉफी खा देगा इसने सोची ना होगी। सोची ना होगी। ओ भाई यो जोगिंदर दे भाई जोगिंदर इतना जूस पी रहूंगा इसने सोची ना होगी। सोची ना होगी क्या होता, सोची ना होगी यार, कितना क्यूट है। तो अपना सामान तो आ चुका है,
उधर कोने में रख दो। ओरियो को हमने यहाँ बंद कर रखा है ताकि वो दिक्कत ना करे। और हाँ, अभी तुमको पता नहीं है ना कैसा डिजाइन है, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अभी मत देख, सरप्राइज है, देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है। ओए नो, अभी नहीं, ठीक नहीं है ना, फिर ओरियो भौंकता है, उनके ऊपर उछलेगा, उनको काम नहीं करने देगा। अभी सब कुछ सेट करना है ना। बाय द वे, लव तो काफी प्यारा रहा है, देखो मतलब पानी लोगे अभी। तो अभी फिलहाल मम्मी भी आ गई है, मम्मी देखेगी डाइनिंग टेबल हमारा फर्स्ट टाइम ले आया। ये रहा डाइनिंग टेबल, तो ये हो गया। अच्छा, और ये वाला टेबल ये है, कैसा है बताओ? अच्छा है चाचा, आप बताओ। तो मम्मी जी के लिए सरप्राइज था, लेकिन मम्मी जी एकदम से आ गई सडनली, जब वो लगा रहे थे तो सरप्राइज खत्म हो गया। मम्मी मार्केट गई थी ना, लेकिन अभी पीयूष ने नहीं देखा है, तो पीयूष को दिखाएंगे। पीयूष को अंदर बंद कर रखा था ना ओरियो के साथ में, तो चलो पीयूष को बुलाते हैं बाहर और फिर देखते हैं। कैसा है ये वाला? कूल लग रहा है थोड़ा हमें ना। अरे इसमें आपको खिला भी दिया आपने, किसको खिलाया? अच्छा हाँ, जो लगाने आए थे उन्हीं को खिलाया सबसे पहले। पिज्जा आ गया अपना। अरे पिज्जा तो आज फर्स्ट टाइम हमने पिज्जा ऑर्डर किया यहाँ पे, जस्ट टेस्ट करने के लिए कैसा पिज्जा है यहाँ का, अगर बढ़िया होगा तो फिर और ऑर्डर करेंगे। चाय भी आ गई, तो करो ट्राई पिज्जा। वैसे हम डाइनिंग टेबल लेने की ना एक साल से सोच रहे हैं, एक साल पहले से, लेकिन ले ही नहीं पा रहे थे। अब यहाँ पे इस घर में जगह थी तो सोचा चलो ले लेते हैं। अब एक घंटे बाद ही खाऊंगा। क्यों? एक घंटे तक मिर्ची निकालना। मिर्च मत निकाल, एक एक स्लाइस मिलेगा सबको, एक मेरा, एक पीयूष का, एक कुनाली का, एक चाची का। मम्मी तो खाती नहीं, मम्मी को तो पिज्जा पसंद नहीं है। अगर मैं पिज्जा का रिव्यू दूं तो पिज्जा मुझे उतना खास पसंद नहीं आया, बट हाँ ठीक ठाक है, लेकिन चाय बहुत मस्त है, इसीलिए पीयूष ने तो छोड़ ही दिया, अभी मुझे ही खाना पड़ेगा। सब्जी काटने वाला यूज नहीं कर रहे? लो चाची काटो, इस पे काटो। नहीं कट रहा? कट तो रहा है, इसके ऊपर काटने की आदत डाल लो, सही रहेगा। हाँ ऐसे ऐसे करो। ये वही बॉल है ना जो उस दिन अपन लाए थे? अरे इसमें हवा थोड़ी कम है। हवा कम है, खेलने चले और जो भी ले जाते हैं, चल पार्क में चलते हैं। इसमें पिन नहीं मिली। पार्क में चले, पार्क में इसको दबा के देखो, अरे हवा कम है। हाँ कोई बात नहीं, खेल लेंगे, चले पार्क में। ओरियो को ले जाएंगे फिर? ओरियो की बॉल ले लेते हैं। ओरियो का पट्टा बांध पहले, ओरियो का पट्टा बांध, तू बांध। तो ओरियो अपने पड़ोसी से मिलते हुए चले। साइकिल तो रख दे अंदर, साइकिल नहीं लेके जाना, पैदल चलना है। लूडो। अरे कितना प्यारा लग रहा है ये रूडो। अच्छा ये वहाँ से भगाता हुआ लाएगा और सीधा अंदर डाल देगा ऐसे, चलो बढ़िया है। कुराली चले, गेट तो बंद करके जा। अरे यहाँ मत खेलो, पार्क में खेलना। एक्साइटेड तो मुझे ओरियो दिख रहा है तुमसे ज़्यादा, कैसे भाग रहा है देखना। साहिल तो अभी हरियाणा में ही है, वो शायद कल आएंगे या परसों आएंगे। पार्क में तो ओरियो खुला छोड़ सकते हैं, पार्क में कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार वो सब्सक्राइबर बुला रहे हैं, चल चल मिल के आते हैं, आजा आजा, पहले उनसे मिलाते हैं, आजा। गेट पे वेट कर रहे हो? हाय सर, हेलो। तो ऐसे ही पॉपट हो चुका है, ओरियो ने यहाँ पे कर दी पॉटी, मुझे उठानी पड़ेगी अब, क्योंकि साफ सुथरी रोड है, रोड को खराब नहीं रख सकते हम। पकड़, साफ कैसे करें, कुछ ढूंढ। इससे करें? इससे नहीं है। अरे आप भी आ जाओ। हो गया, थैंक यू। रुको, पहले सिनेमैटिक बनाने यार। नहीं सिनेमैटिक आ गया स्वाद। साइड में तो पूरा जंगल है, चलो ओके बाय 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 बाय। देखो हमारे सब्सक्राइबर ने हमको पॉटी उठाते हुए भी देख लिया। ये बहुत किस्मत वाले थे। अरे वो वीडियो बना रहा है सॉरी व्लॉग, मेरे सामने पॉटी उठाते हुए। अरे हम तो जा रहे थे खेलने के लिए, अंधेरा होने वाला है, अंधेरे में ही आएंगे वापस। तो गाइस हमारा एक और गाना आने वाला है जो कि हमने शूट किया था, इसमें पीयूष भी है वॉइड सर के साथ में, तो पूरा रैप गाना है, गाने का नाम है फटी जीन्स, तो उसका पोस्टर भी आ चुका है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो। फटी जीन्स जल्दी ही रिलीज होने वाला है। अब और वो खुला छोड़ देते हैं यहाँ पे, तो चलो अरे चलो। तो तीनों भाई साथ में खेलते हैं, वो भाई सबसे तेज तो यही दौड़ रहा है, वो भाई अजय होली, वो भाई इतना तेज, वो भाई गोल कीपर बन रहा है सही, वो भाई। तो भी ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है और हम घर जा रहे हैं, टाइम हो रहा है 6:48, सारे काफी थक चुके हैं, प्यास लग रही है सबको। तो अभी गाइस टाइम हो गया 7:49 एंड अभी हम जा रहे हैं पूजा दी घर पे, बिकॉज उनके छोटे लड़के का बर्थडे आज, तो उन्होंने इनवाइट किया था हमको, तो चल चलते हैं। तो अभी फिलहाल रेडी हैं बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तीनों भाई। ये वाला चश्मा इस पे काफी सूट कर रहा है, इसको डाल के रखा करो हमेशा, आपका स्वैग बनेगा लगी। सोने में भी? हाँ सोने में नहीं, सोने में नहीं, देख लो दिमाग
सोने सोते हुए उतार देना बस, जैसे सो के उठोगे फिर डाल देना, पूरे दिन डाले रखना। रेडी सभी के सभी चलें? तो आज ओरियो बजा रहा है हमारे साथ में। कुनाली अब तो सुना दो मौजा। आगे आगे मैं भूल गया। तो अभी गाइस ओरियो बहुत ज़्यादा डर गया, बिकॉज अंदर सेलिब्रेशन हो रहा है ना, तो बैलून फूट रहे थे और बैलून से इसको बहुत डर लगता है बैलून फूटने से, तो ये लिटरली कांप गया है, इसलिए मैं इसको लेके बाहर ही आ गया। अभी भी लिटरली कांप रहा है, इसको बैलून से बहुत डर लगता है, अब इसको बाहर ही रखना पड़ेगा। तो अभी रात के 10:40 हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं, सारे विदा कर रहे हैं एक दूसरे को। बाकी लिटरली बहुत ही ज़्यादा मजा आया, सारे रिलेटिव्स के साथ में फुल नाचे, बर्थडे सेलिब्रेट किया, खाना भी यहीं पे खाया आज, थोड़ा लेट हो गया बट कोई बात नहीं। तो पीसी कैसा लगा, मम्मी जी कैसा लगा, मज़ा आया ना? अच्छा, चलो चलते हैं। फिलहाल अंधेरा है, सामने लाइट भी नहीं आया, हल्द्वानी में यह दिक्कत है, लाइट्स नहीं है कहीं पे। तो अभी गाइस 2 बज चुके हैं, अब जाके सारा काम कंप्लीट हुआ है, अपलोड भी हो चुका है, फिलहाल अब मुझे नींद आ रही है तो मैं सोता हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।